देखा होगा। जेमे बोले कहते हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आज तो मैंने देखा कि वो कितना हिम्मत है, वो आज दिखाई पड़ा अखबार में छपा है फ्रंट पेज में बड़का न्यूज है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गया भैया, और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भाई आप हमारे ऊपर ईडी वाले पूछताछ नहीं करे, कार्रवाई नहीं करे कि इससे हमको बचाइए, यानी जेल जाने से डरता है। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो डर का है, ईडी वाले आपको बुलाए हैं चले जाइए, बताइए कि हमने कोई गलत नहीं किया है, आप साफ साफ बता दीजिए, आप भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, डर रहे हैं भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने गड़बड़ किया है, और गड़बड़ इतना किया है कि एक तो नाम बदल बदल करके इन्होंने जमीन लिया। दोनों में आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए कि आज लोगों हमसे पूछते हैं आखिर ये अपराध क्यों नहीं रोक रहा है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो अपराधी जेल में होते हैं, अपराधी यहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन जब जेएमएम की सरकार बनती है, राजद की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपराधों में बेहताशा वृद्धि होती है। तो इसका एक ही कारण है, मेरा उत्तर ही नहीं बल्कि जो मैं जानता हूं, जो मैं देखता हूं, वो काम क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। पुलिस का काम होता है चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा रखा है। पहला तो जो सरकार के विरोध में जो आलोचना करता है, सरकार के विरोध में कोई बोलता है लिखता है, उन लोगों के ऊपर वो केस करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं पुलिस से करवाते हैं, वसूली में लगा रखते हैं। होता है कि नहीं होता है बताइए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।